हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे येस बैंक शेयर के बारे में। दोस्तों, येस बैंक के बारे में आपको बता दूं कि इसको मैंने 15 रुपये पर बहुत स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया। दो तीन बार वो इसका स्टॉप लॉस बताया था 15 रुपये 20 पैसे। मैंने आपको कहा था कि इसको नीचे गिरने के लिए भी यहाँ ज़्यादा जगह नहीं है। इसको भी अगर इसका थोड़ा भी अच्छी न्यूज आती है तो इसके बहुत जल्दी इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। 18 रुपये का इसका इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ पर सप्लाई देखने को मिलती थी। ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा ये 25 रुपये तक जा सकता है। वो देखिए दोस्तों, 3 दिन भी नहीं हुए हैं, 3 दिन में इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। बहुत से लोग अब भी इसमें शक कर रहे हैं कि इसकी तेज़ी ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। दोस्तों, मार्केट शक पर ही चलता है। जितने ज़्यादा लोग शक करेंगे ये उतनी स्पीड से ऊपर जाएगा। अगर आप इसमें पोजिशन बनाए हुए हैं तो टाइटली होल्ड रखें, और जो नई पोजिशन बनाना चाहते हैं तो किसी भी डिप में आप बाइंग कर सकते हैं। पिछले दिन के लो का स्टॉप लॉस लगाएं। दोस्तों, मोमेंटम ऐसे ही प्ले किया जाता है, आप ज़्यादा वेट नहीं कर सकते इसमें। अगर डिप का वेट करेंगे तो ऐसे ही 20-20% के सर्किट लगाता है। 30 रुपये 40 रुपये कब हो जाएगा पता नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस भी ज़रूरी है। इतनी तेज़ चढ़ाई में आप ऐसे ही बाइंग करके नहीं बैठ सकते। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग का नज़रिया, तो पिछले दिन के लो का स्टॉप लॉस लगाएं और बाइंग कर सकते हैं किसी भी लेवल पर। लेकिन जो इन्वेस्टर हैं वे किसी डिप का इंतज़ार करें, और जो पहले से इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं वे टाइटली होल्ड रखें, स्टॉप लॉस लगा के रखें। आप स्टॉप लॉस रिवाइज कर लें 21 रुपये 50 पैसे का, जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर है इसमें बने रहे। चलिए अब गावा जी की राय ले लेते हैं, उनकी क्या राय इस पर। गुरजीत गुलाटी, यस बैंक 12 रुपए पर 1000 शेयर होल्ड करके रखे हुए, क्या करें? यस बैंक मेरे ख्याल से अच्छा है, होल्ड करना चाहिए। खैर, लगता है टर्न अराउंड हुआ है और कुछ हो रहा है, टेक इट्स टाइम, लेकिन होल्ड करना चाहिए। कीप बुकिंग प्रॉफिट्स ऑन द वे अप। अब बिल्कुल एक सवाल है कुश भार्गव का।